नमस्कार साथियों, शारीरिक शिक्षा यूजीसी नेट फिजिकल एजुकेशन के संदर्भ में जो सीरीज हमने चलाई हुई है उसी के संदर्भ में आज हम लोग एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं, यूनान की शारीरिक शिक्षा के इतिहास पुरुष। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं निवेदन कर दूं कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे अगली बार जब भी मैं कोई वीडियो लॉन्च करूंगा तो उसकी सूचना सबसे पहले आपके पास मोबाइल ऑन करते ही आ जाएगी। इसके बाद आप लाइक का बटन जरूर दबाएं। लाइक के बटन को दबाने से क्या होगा, जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे शारीरिक शिक्षा विषय अन्य विषयों से और ज़्यादा ऊपर ट्रेंडिंग में आएगा। साथ ही इसे शेयर कर दें आप लोग अपनी अपनी फेसबुक वॉल पर, जिससे आप जैसे और भाई, आप जैसे और बहन इस विशेष क्रिया से लाभ ले पाए। तो देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि आज का ये टॉपिक हम लोग इससे पहले जर्मनी की शारीरिक शिक्षा के इतिहास पुरुषों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और आज यूनान की शारीरिक शिक्षा के इतिहास पुरुषों के बारे में हम पढ़ेंगे। नेट के हिसाब से, दिल्ली के एग्जाम के हिसाब से ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही ऐसे विषय न केवल शारीरिक शिक्षा अपितु अन्य विषयों के अंदर भी आते हैं, क्योंकि ये सामान्य शारीरिक शिक्षा के साथ साथ इतिहास से जुड़े हुए विषय भी हैं। और हम लोगों ने जब जर्मनी की बात की थी, जर्मनी आधुनिक जमाने में वर्तमान 18वीं सदी के बाद उसने इतिहास के कीर्तिमान लिखे, लेकिन आज का जो टॉपिक है, यह आज का टॉपिक उस पुरातन काल की बात कर रहा है जब पूरा विश्व सभ्यता से पूर्णतः परिचित नहीं था। पूरे विश्व के अंदर सभ्यता को लिखित रूप कैसे दिया जाए ये कोई नहीं जानता था। उस दौरान पूरे विश्व में एक देश का उदय हुआ जिसे यूनान कहा गया, जिसे ग्रीस भी कहा जाता था, जिसे हेलेनिक डेपाड़ा भी कहा जाता था। अंग्रेज यूनान को ग्रेसिया भी कहते थे। वहां पर व्यक्तित्ववाद के ऊपर फोकस करना शुरू किया गया। वहां पहली बार शिक्षा में दर्शन जैसे विषयों को शामिल किया गया और यह बताया गया कि शिक्षा कोरी कल्पना नहीं है बल्कि शिक्षा एक दार्शनिक विषय है। और इसी दौर में यूनान के अंदर सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, हिप्पोक्रेटस जैसे बड़े बड़े महान विद्वान पैदा हुए जिन्होंने शिक्षा की दिशा को एक नया आयाम दिया। उन्हीं कुछ विद्वानों को जिनका सीधा सीधा रिलेशन शारीरिक शिक्षा से बनता है, ऐसे विद्वानों को आज की इस सीरीज के अंदर मैं आप लोगों के बीच में लेकर आ रहा हूँ। उन्हें बता दूँ, नेट, दिल्ली जैसे विषयों के लिए आज का टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण बनता है। साथ ही सामान्य इतिहास से भी, इतिहास के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण बनता है। तो साथियों, शुरू करते हैं हम इतिहास की कालक्रम की उल्टी गिनती से। आप लोगों ने यहाँ देखा पाइथागोरस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और पाइथागोरस के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं 570 से 490 ईसा पूर्व, इसका कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि यहाँ काउंटिंग उल्टी क्यों चल रही है, सनों का क्रम, ईयर्स का क्रम उल्टा क्यों हो रहा है। तो देखिए, जब हम लोग बात करते हैं पूरे विश्व की, तो एक ऐसा दौर था जब पूरे विश्व में ईसाई सभ्यता के लोग चरमोत्कर्ष पर थे। वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे और उन्हें ही किसी भी चीज़ को लिपिबद्ध या सूचीबद्ध करना आता था। ईसाई कम्युनिटी के लोगों का यह मानना था कि उनके एक भगवान थे, प्रभु यीशु जिस दिन इस पृथ्वी पर आए हैं उससे पहले और उसके बाद के कालक्रम को उन्होंने ईसा पूर्व और ईसा पश्चात के अंदर लिपिबद्ध कर दिया। भगवान यीशु का जितना जन्म इस जीवन के ऊपर रहा, इस पृथ्वी के ऊपर रहा, तो यीशु से उन्होंने सृष्टि का आरंभ माना। भगवान जीसस यीशु से पहले उन्होंने आरंभ माना, और यीशु से पहले के ईयर्स को उन्होंने उल्टी गिनती दे दी। जिस तरह से यहाँ पर 570 से 490 उल्टा चल रहा है, ऐसे करते करते यीशु के जन्म तक आए, और उसके बाद वर्तमान जो ग्रेगेरियन कैलेंडर चल रहा है जिसमें क्रम सीधे चलते हैं, 1990, 1991, 92, 2005, 2010, 2015, 2020। तो सबसे पहला हम लोग बेस से, देखिए किसी भी चीज़ को अगर बेस से पढ़ना शुरू करेंगे
हम लोग क्लियर ज्यादा कर पाएंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें इसे ईसा पूर्व और ईसा पश्चात कई जगह आएंगे, इन्हें क्लियर कर लेना है। अंग्रेजी में यही टॉपिक आपको BC और AD के रूप में मिलेगा, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर डेथ। तो ये चीज भी क्लियर कीजिएगा, ईसा से पूर्व और ईसा से पश्चात, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर डेथ। तो हम लोग आते हैं यूनान की शारीरिक शिक्षा के इतिहास पुरुषों के ऊपर, और उसमें सबसे पहला नाम आपको मिलता है पाइथागोरस का। अब देखिए, पाइथागोरस का सीधा सीधा शारीरिक शिक्षा से कोई लेना देना नहीं था। आप लोग ये कहेंगे जब शारीरिक शिक्षा से कोई लेना देना नहीं था तो पाइथागोरस के बारे में हम चर्चा क्यों कर रहे हैं। पाइथागोरस के बारे में चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं, पाइथागोरस अपने समय का एक महान गणितज्ञ था। पाइथागोरस ने एक स्कूल प्रमेय दिया, जिस प्रमेय को आप देख सकते हैं इस स्क्रीन के ऊपर, मैंने लिखा भी हुआ है, द कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम ये कहती है कि जब भी हम किसी खेल मैदान का अंकन करते हैं, मैं शारीरिक शिक्षा से जोड़ रहा हूँ इसको, बाकी पाइथागोरस ने सभी चीजों के अंकन के लिए कहा था, लेकिन मैं इसको शारीरिक शिक्षा से जोड़ रहा हूँ कि खेल मैदान का अंकन करते हैं तो कैसे उस खेल मैदान का रो अंकन किया जाए, उसके लिए पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी जिसको हम लोग कहते हैं त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करने का फॉर्मूला। यदि त्रिभुज की दो भुजाएं हमारे पास हैं तो हम लोग त्रिभुज की तीसरी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है आज हमारी शारीरिक शिक्षा के अंदर, विकर्ण मेथड के नाम से जाना जाता है, डायगनल मेथड के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर हम लोग ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, गणित की दो भुजाओं का अगर स्क्वायर करके अंडर रूट निकालें तो गणित की तीसरी भुजा, त्रिभुज की तीसरी भुजा आ जाती है। यही काम हम लोग खेल मैदान के अंकन में करते हैं, जैसे 3 4 5 का फॉर्मूला भी हम लोग कह देते हैं। पहली भुजा आपने मालूम कर ली 3 की, दूसरी भुजा मालूम कर ली 4 की, अब तीसरी भुजा 5 की, ये तो है सरल 3 4 5 का फॉर्मूला। लेकिन अगर ग्राउंड 50 मीटर लंबा, 70 मीटर चौड़ा हो तो फिर उसका डायगनल कैसे निकलेगा, किस तरह से उसके जो खोके हैं उन्हें सेट किया जाएगा, वो पाइथागोरस ने उस वक्त बताया कि यदि त्रिभुज की दो भुजाएं आपको ज्ञात हैं तो दोनों भुजाओं का स्क्वायर करके अंडर रूट लगाकर आप तीसरी भुजा का मान निकाल सकते हैं। तो जब दो भुजा हमारे पास हैं तो तीसरी भुजा को हम लोग दोनों कोनों से कट लगाकर, स्क्वायर लगा के और एक खाका तैयार कर लेते हैं, जिससे समस्त खेल मैदान का निर्माण हम लोग कर पाते हैं। यह पाइथागोरस का महान योगदान था गणित में, जो शारीरिक शिक्षा के लिए भी एक वरदान बना और खेल मैदान अंकन बड़ा सुविधाजनक हो गया। इसलिए पाइथागोरस का भी योगदान यूनान की शारीरिक शिक्षा के अंदर माना जाता है। बहुत ही महान शख्सियत हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेट्स भी लिख लीजिएगा, आपको लिखा मिल जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले तो आप ये स्पष्ट कीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा पूरे लेक्चर को, और इसको हाईलाइट करिएगा। हिप्पोक्रेटस को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, मतलब अगर चिकित्सा में किसी खोज की श्रेय सबसे पहले किसी को दी जाती है तो वो हिप्पोक्रेटस को दी जाती है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जैसे गैलन था एक चिकित्सक, उसने मसाज की फ्रिक्शन थेरेपी निकाली थी, सेम ऐसे ही हिप्पोक्रेटस ने सबसे पहले स्प्रिंग वाटर, मतलब झरने के बहते हुए पानी को यदि हम लोग शरीर पर डालें तो इन्होंने मसल कॉन्ट्रैक्शंस और मसल्स के अंदर एनलार्जमेंट की थ्योरी को कहा था। इस तरह हिप्पोक्रेटस ने सबसे पहले संसार को यह बताया कि हम लोग बहते पानी से, झरने के पानी से अपने शरीर के अंदर आई हुई प्राकृतिक चोटों का इलाज कर सकते हैं। इनके इसी काम के लिए इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता था। अब हिप्पोक्रेटस इतना जबरदस्त अपने आप में फेमस था कि इन्होंने एक यूनान के अंदर, मैं कहूं यूनानी चिकित्सा के अंदर एक क्रांति ला दी। और वो क्रांति कैसे लाई, इन्होंने जो हमने बात करी थी कि वर्तमान में जो शारीरिक शिक्षा हम पढ़ रहे हैं, कि यूनान की शारीरिक शिक्षा में ऐसा क्या था कि जिसके बारे में हमें पढ़ना पड़ना है,
तो यूनान की शारीरिक शिक्षा को, जैसा मैंने बताया आपको, पहली बार दर्शन शास्त्र को, फिलोसॉफी को इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने, और ये बताया कि शिक्षा एक कोरी कल्पना का विषय नहीं है, अपितु इसके अंदर दर्शन मतलब इसके अंदर फिलोसॉफी इन्वॉल्व है प्रत्येक चीज के अंदर। फिलोसफी क्या होती है? फिलोसफी एक सोचने का तरीका होती है। किसी भी विषय के बारे में आपको गहनतापूर्वक, गंभीरतापूर्वक, नैदानिक तथ्यों तक ले जाने का एक क्षेत्र होती है। तो हिप्पोक्रेटस ने द ऑर्गज्म एंड फिलोसफी, द ऑर्गज्म एंड फिलोसफी, ऑर्गज्म मतलब हमारा शरीर, इसने शरीर को भी दर्शन से जोड़ दिया। इसने कहा कि शरीर के ऊपर आप खाली कोर एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते हैं, शरीर एक विशेष दर्जा लेकर चलता है जिसको आप वैज्ञानिक तरीके से डेवलप करेंगे। इन्होंने चोटों का इलाज करना सिखाया, साथ ही साथ इन्होंने क्या किया कि अपनी जो सोच थी, इस सोच को इन्होंने प्राचीन यूनानी चिकित्सकों के बीच में इस तरह से फैला दिया कि वो लोग इनसे चिढ़ने लगे। अब प्राचीन यूनानी चिकित्सक क्या करते थे? प्राचीन यूनानी चिकित्सक कहीं भी मॉडर्न फिलॉसफी और मॉडर्न बायोलॉजी की बात नहीं करते थे, लेकिन हिप्पोक्रेटस ने क्या किया, हिप्पोक्रेटस ने अपने चिकित्सा ज्ञान को लोगों के बीच में लिखित माध्यम से इतना फैलाया कि लोग दवाइयों का, लोग चिकित्सा का प्रयोग अपने जीवन के अंदर स्वयं करने लग गए। डॉक्टर से ये पूछने लग गए कि आप मेरे ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो इसका कोई विपरीत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। इससे हिप्पोक्रेटस के विरुद्ध प्राचीन यूनान के अंदर एक लॉबी बन गई और समस्त प्राचीन यूनानी जो चिकित्सक थे वो हिप्पोक्रेटस को एक ऐसा चिकित्सक प्रस्तुत करने लगे जो केवल अपने ही विचार जनता पे थोपना चाहता था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हिप्पोक्रेटस महान मेडिसिन के फादर थे जिन्होंने पहली बार किस तरह से चिकित्सा विधियों का प्रयोग करते हुए शरीर को ठीक किया जाता है इसके बारे में पूरे संसार को बताया था। यूनान की शारीरिक शिक्षा के अगले इतिहास पुरुष का नाम आता है आइसोक्रेट्स। देखिए, आइसोक्रेट्स सुकरात के गुरु थे। यूनान की असली शिक्षा जो है वो सुकरात से शुरू होती है, क्योंकि हम लोग शारीरिक शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो आइसोक्रेट्स कौन थे? आइसोक्रेट्स सुकरात और गॉर्गियस जैसे टीचर्स को छोटी उम्र में पहचानने वाले व्यक्ति थे कि ये लोग जमाने में बड़ा होकर कुछ न कुछ करेंगे। आइसोक्रेट्स एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास एक ऐसी कला थी जिसको हम लोग असाधारण बयानबाजी कहते हैं। असाधारण बयानबाजी जिसको कहा जाता है वाद विवाद की कला। वाद विवाद मतलब डिबेट। डिबेट के अंदर क्या किया जाता है? डिबेट में एक टॉपिक दिया जाता है, कुछ पक्ष उसके, कुछ लोग उसके पक्ष में बोलते हैं और कुछ लोग उसके विपक्ष में बोलते हैं। आइसोक्रेट्स के अंदर यही कला थी कि वो किसी भी टॉपिक के ऊपर डिबेट जो है वो फ्रीक्वेंटली बहुत लंबे समय तक कर सकता था और तथ्यों के साथ कर सकता था। आइसोक्रेट्स ने अपनी इस कला को एक नया विषय का नाम दिया और उस नए विषय का नाम उसने रखा रिथ्रोनिक। रिथ्रोनिक मतलब कलात्मक रूप से बोलने की कला, और यह कला उसने सुकरात और गॉर्गियो जैसे लोगों के अंदर भर दी। आइसोक्रेट्स का इतना जबरदस्त प्रभाव उस वक्त पड़ा कि उस वक्त प्राचीन यूनान के हायर एजुकेशन के पाठ्यक्रम में कोई रेगुलर सिलेबस था ही नहीं, जिसके मन में जो आ रहा है वो पढ़ाकर जा रहा है। इसका आइसोक्रेट्स ने विरोध किया और उसने एक स्कूल ऑफ रेटोरिक, अपनी एक स्कूल उसने प्रतिस्थापित की, स्कूल ऑफ रेटोरिक, और वहां पर उसने एक नया पाठ्यक्रम निश्चित तरीके से, जिसे रिथ्रोनिक कहा। रिथ्रोनिक फिर से मैं बता दूं, कलात्मक रूप से बोलने की कला को उसने लोगों के बीच में प्रचारित करना शुरू किया। यह प्राचीन यूनान में उस वक्त इतना फेमस हुआ कि बड़े बड़े दार्शनिक लोग इस आइसोक्रेट्स की इस कला के कायल हो गए। अब इसी दौर में आप ध्यान दीजिएगा, इससे 50 साल बाद की बात कर रहा हूँ, एक स्कूल और बड़ी फेमस हुई थी प्लेटो नाम के विद्वान की, लेकिन प्लेटो इनसे 50 साल बाद का व्यक्ति था, और उसने एक एकेडमी नाम की स्कूल इसी तर्ज पर स्थापित की जैसे रिथ्रोनिक थी। दोनों के अंदर अंतर एक था कि यहाँ जो आइसोक्रेट्स था वो किसी भी विषय पर पॉजिटिव नेगेटिव मतलब सकारात्मक नकारात्मक पक्ष और विपक्ष दोनों बुलवाता था, लेकिन प्लेटो की जो स्कूल थी अकादमी उसके अंदर प्रत्येक चीज के अंदर दर्शनवाद होता था और प्रत्येक चीज के अंदर कॉम्पिटिटिव थ्योरी होती थी। तो इस तरह से आइसोक्रेट्स वो व्यक्ति था जिसने इस जमाने को सुकरात जैसे महान दार्शनिक को दर्शन कराए। आइसोक्रेट्स सुकरात के गुरु के रूप में प्रचारित हुए और आज भी जाने जाते हैं।